Pooja ma'am to give the prize for Subhra Gautam. Please clap for Subhra Gautam. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। अभी मैं जहां उपस्थित हूं, मैं एक स्कूल में उपस्थित हूं, मदर्स प्राइड इंटरनेशनल स्कूल। यहां मैं इसलिए आई हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं इस स्कूल के। नेशनल साइंस ओलंपियाड 2019 टू 2020 में इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है। और आइए मैं इन बच्चों से ही जानूंगी कि क्या एक्सपीरियंस रही, और इनके टीचर से जानूंगी कि इन बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाने में क्या भूमिका रही आपकी। आइए मैं जानती हूँ सर। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। ये हमारे बच्चे 2019-20 साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, जो कि इंटरनेशनल लेवल का एक कंपटीशन होता है, इसमें पूरे इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे बेगूसराय के भी बहुत सारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे ये बच्चे इस साल, इन बच्चों ने सेकेंड लेवल क्वालिफाई किया है और ये आगे इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं। पूरी स्कूल मैनेजमेंट, सारे शिक्षक इन बच्चों के साथ हैं और हम लोग पूरी मेहनत के साथ इनको इस ओलंपियाड की तैयारी करवा रहे हैं। इसमें जनरली मैथ, साइंस, इंग्लिश की एग्ज़ाम्स होते हैं। अभी नया कंप्यूटर और जीके का भी जोड़ा गया है, जिसमें हमारे बच्चों ने कंप्यूटर और जीके में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। सर, तो इस कंपटीशन की तैयारी के लिए सबसे पहले तो ग्रुप्स बनाए होंगे आपने? हाँ हाँ मैम, हम लोगों ने एक ग्रुप्स बनाया है। हमारे यहाँ बच्चों को उनके पोटेंशियल के हिसाब से और उनकी जो इच्छाएं होती है उस हिसाब से हम लोग बच्चे को सिलेक्ट करते हैं। जो बच्चे कलर में, जो पेंटिंग, कलर, डांसिंग, उनमें उन बच्चों को अलग कैटेगराइज करते हैं। ये जनरली मैथ साइंस से रिलेटेड था, तो ये सारे बच्चे जिनको मैथ में, साइंस में इंटरेस्ट था, उन बच्चों का ग्रुप बनाया गया। और इसके लिए हम लोगों ने अलग से और कक्षा में भी, क्लास में भी उनको उस तरह की तैयारी करवाई है। सर, इस कंपटीशन की तैयारी के लिए सबसे पहले तो आप अपने स्कूल में कंपटीशन करवाएंगे अपने बच्चों के लिए, तभी तो इन इतने सारे बच्चे में से आपने 10 या फिर 5 बच्चे को ही चुना। हाँ, इसमें हम लोग पहले स्कूल लेवल पे बच्चे को तैयार करते हैं और फिर इसका फॉर्म निकलता है। जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं वो फॉर्म भरते हैं और फिर उस तरह से इनका एग्ज़ाम होता है। हाँ, तो कितने बच्चे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया इस ओलंपियाड में? इस बार मैम हमारे स्कूल से 80 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से सेकेंड लेवल के लिए हमारे 35 बच्चे ने क्वालिफाई किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। आगे चलिए, मैं बच्चों से भी बात करूँगी। बेटा, आपका नाम? तुबा सुल्तान। किस क्लास में हो आप? क्लास 3। कैसा लग रहा है ये मेडल पहन के आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको क्यों मिला, आपको पता है? यस मैम। क्यों? मैम, मैंने बहुत मेहनत की और ये गोल्ड मेडल जीत लिया। अच्छा, वहाँ पे कितने सारे बच्चे थे? वहाँ पे मैम बहुत सारे बच्चे थे। तो आप जब वहाँ पे गई थी तो आपको लगा था कि मैं भी क्वालिफाई कर पाऊँगी? यस मैम। आपको लगा था, आप कॉन्फिडेंट थे? यस मैम। वाह, कंग्रेचुलेशन। और आपका नाम? मैम, मेरा नाम नैन्सी कुमारी है। हाँ, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ओलंपियाड के लिए? क्या क्या तैयारियाँ की थी आपने? मैम, बहुत सारी तैयारियाँ की थी स्कूल की तरफ से भी। मैम, बहुत सारी तैयारी की गई थी। मैम, हमारे साइंस टीचर के सर, हाँ, और बहुत सारे टीचर्स ने हम लोग को। अच्छा, इसमें जो आपको मेडल मिला है, इसके लिए आप किनको थैंकफुल कहेंगे? मैम, हमारे स्कूल के टीचर्स को। क्या नाम है उनका? अनिकेत सर, अभिनव सर, मैम, सारे टीचर्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं इनसे भी बात करूँ। अर्जा कुमार। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए इसमें कैसा रहा, कितने दिनों से आप तैयारियां कर रहे थे और किन किन लोगों का यहां तक पहुंचने में, इस मुकाम को पहुंचाने में किन किन लोगों का हाथ था, ये सब एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। यहां तक मुकाम में पहुंचने में हम लोगों का, हमारे सहयोग शिक्षकों का बहुत ही उद्देश्य रहा, और हमारे साइंस टीचर अनिकेत सर और मैथ टीचर डॉक्टर राजाराम ठाकुर सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताएं कि कुछ बच्चे तो कुल मिला के कितने बच्चे गए थे आप लोग वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए? कुल
कुल 80 बच्चे थे मैम, जिसमें लेवल टू के लिए 35 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। और जो बच्चे अनक्वालिफाइड हो गए उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी कोशिश लगातार जारी रखें, अगले साल फिर मेहनत करें, फिर फॉर्म भरें और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ लेवल टू जरूर से ज़रूर क्वालिफाई करें। और ये ओलंपियाड जो होता है नेशनल लेवल का, पूरे इंडिया लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। और कुछ सारे बच्चे हैं जो हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो भी इसमें आना चाहते हैं लेकिन वो हिचकिचाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं और ये फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए ये सब पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो भी अपनी कोशिश जारी रखें। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं इन बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाने में आपका हाथ है, क्या कहना चाहिए? हम मैथ के टीचर हैं और इन बच्चों को मैथ में तैयारी अच्छे करवाए हैं और आगे चलकर भी अच्छा करेंगे। अभी भी देखिए इनको सबको मेडल मिला है, बहुत ठीक ढंग से लोग पढ़ते हैं बच्चे और यहाँ का पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, सब चीज़ यहाँ का अच्छा है और जो बच्चे आते हैं यहाँ से बन के ही जाते हैं। सर, बच्चे को समझाने में, मैथ सिखाने में, इस मुकाम तक पहुँचाने में आपको तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्या बच्चे लोग आपका हेल्प किए थे? हाँ हाँ, बच्चे लोग हेल्प करते हैं, ये लोग कम से कम मान लिया मैथ 8 घंटा 7-10 घंटा तक बनाते हैं आपके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मेरी ये सब। तो इन बच्चों के लिए आप एक बार कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इन लोगों के लिए जो अनक्वालिफाइड हो गए उन बच्चों को, उन बच्चों को भी तैयारी करवाया जाता है और वो भी आगे चल के अगले साल फिर नेक्स्ट ईयर में वो भी कम। उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ हाँ, उनको यही बता रहे हैं, तुम भी इस तरह से देखो और तैयारी करो, तुम भी इस तरह से पास कर जाओगे अच्छे ढंग से।